जय हिंद फ्यूचर ऑफ फंड और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग मीडिया सेक्टर से जुड़ी हुई एक शानदार कंपनी जिसका नाम लुहारका मीडिया और इंफ्रा लिमिटेड कंपनी है। हालांकि ये कंपनी अब मीडिया सेक्टर में काम नहीं करती है, पहले मीडिया सेक्टर में काम करती थी और न्यूज और रिपोर्टिंग करती थी, लेकिन अभी इसका काम बिल्कुल चेंज हो गया और मीडिया जगत से अब इस कंपनी का काम चेंज होकर फाइनेंस के जगत से जुड़ गया। यानी कि कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई है और ये फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, तो काम बेसिकली कंपनी का चेंज होकर फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ गया है। तो फाइनेंशियल जो कंपनियां हैं, जो कंपनी फाइनेंस सेक्टर में काम करती है, उनका भविष्य मुझे काफी उज्ज्वल नजर आता है। हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, जब हम उसके हिसाब से सोचते हैं, तो इसलिए लुहारका मीडिया यदि आपके पोर्टफोलियो में है तो इस स्टॉक पे आपका नजर बनाकर रखना, ध्यान देना काफी जरूरी है। चलिए इसके बारे में समझते हैं कि इस स्टॉक में जो गिरावट लगातार देखने को मिल रहा है, इसमें तेजी कब आएगी और हमें यदि कोई नया व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट नहीं किए तो वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तथा जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उसी क्या रणनीति इस स्टॉक में अपनाने की जरूरत है। बीएस इंडिया की वेबसाइट पर जब आप इस स्टॉक को देखते हैं लुहारका मीडिया को, तो आप पाएंगे कि ये जो स्टॉक है अभी एएसएम की कैटेगरी में है। हालांकि एएसएम की कैटेगरी के कुछ कुछ खास मायने नहीं होते हैं, एएसएम से ज्यादा ईएसएम और उससे ज्यादा जीएसएम खतरनाक होता है। एएसएम की कैटेगरी में है तो इससे बिल्कुल ही डरने और घबराने वाली कोई बात नहीं। बेसिकली एक प्रकार का फ्लैग होता है, रेड फ्लैग होता है, जो पेनी स्टॉक में सामान्यतः आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसे नहीं घबराना है। यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन में लास्ट जो इसमें अपर सीक्रेट लगा था 18 मई को लगा था, वही अभी एक नोटिफिकेशन है, कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्योंकि आपको पता है कंपनी के जो क्वार्टर जो फोर के नंबर आने थे वो आ गए हैं और इसके बाद जब बोर्ड मीटिंग वगैरह होगा तो उसके बाद फिर कुछ नया नोटिफिकेशन आने के चांसेस रहेंगे। कॉर्पोरेट एक्शन देखेंगे तो हाल फिलहाल के दिनों कोई कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए नहीं दिखा है। पहले के समय में कॉर्पोरेट एक्शन होते थे, कंपनियां डिविडेंड देती थी या कुछ इसके अलावा, हालांकि डिविडेंड के अलावा तो कुछ अलग कॉर्पोरेट एक्शन इसमें हमें दिख नहीं रहा है, होता तो यहाँ पे हमें दिख जाता। तो हम लोग यहीं पर कंपनी के काम और काम तो बेसिकली डिस्कस कर लिए, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से तमाम चीजों को समझते हैं। देखिए मार्केट के 50 करोड़ से भी कम, ये एक चिंता की बात है। पेनी स्टॉक में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मोटिव उस कंपनी में होना चाहिए जिसका वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर की हो। हालांकि इसका 100 करोड़ नहीं है तो ये एक थोड़ी सी निगेटिव बात है। यहाँ पे इसका जो रिटर्न इक्विटी देखेंगे तो ये प्लस में है, तकरीबन 4% के आसपास है, ये काफी बढ़िया बात है। और आरओसी तकरीबन 6% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है खासकर पेनी स्टॉक में। दूसरी बात यह है कि करंट प्राइस जो है कंपनी का शेयर प्राइस से इसके ज्यादा है, यह भी एक मतलब गुड इंडिकेशन है, एक अच्छा इंडिकेट करता है इसमें। अब बात करते हैं हम लोग इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस की, तो यहाँ पे देखेंगे अभी क्या है कि ये एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ है, 5 रुपए से लेकर तकरीबन 4.5 रुपए, इसी के बीच में इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको काफी दिनों से घूमते हुए दिख रहा है। और ये जो रेंज बाउंड आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट रेंज बाउंड है। एक तो यहाँ पे इसने समय बिताया है, एक बार यहाँ पे बिताया है, एक बार यहाँ पे बिताया है, तो काफी बार इस रेंज में इसने समय बिताया है, तो प्रबल संभावना है। प्रबल क्या, यहाँ पे आप देख रहे हैं जितनी बार भी इस रेंज को ब्रेक किया है ऊपर ही हुआ, मतलब ब्रेकआउट ही हुआ, इस लाइन को ब्रेक करके इसका प्राइस ऊपर गया है जब भी इस चैनल से इस रेंज से बाहर निकला है। तो यहाँ पर भी जब भी इससे बाहर निकलेगा प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा, बस आपको कंसिस्टेंस बेसिस पे धैर्य बना के रखना है जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ऑलरेडी काफी बार इस मतलब ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये पहले जब ब्रेक किया तो यहाँ पे हाई बनाया, फिर इसके ऊपर हाई बनाया, फिर इसके ऊपर हाई बनाया, तो इस बार जब इसको ब्रेक करेगा तो ये सबसे लंबा हाई बनेगा और यहाँ से आप मिलाएंगे तो एक अच्छा खासा तेजी आपको इस स्टॉक में होते हुए दिखेगा बहुत जल्द। क्योंकि आपको पता है कंपनी क्वार्टर फोर का नंबर भी आ गए हैं और अभी हाल फिलहाल के दिनों में अब एक लेटेस्ट न्यूज ये है कि चुनाव हो रहे हैं, उसके इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं, तो शेयर मार्केट अभी काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है और जब बाजार ऊपर जाता है तो बाजार के साथ कंपनियां भी और उनके शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये रेंज जल्दी ब्रेक होगा, ब्रेकआउट होगा इसमें और आपको जबरदस्त तेजी होते हुए देखने को मिलेगी। इसलिए आपका इसमें इन्वेस्टमेंट तो आप इसको होल्ड करके चलिए, शॉर्ट टर्म के गिरावट से कभी मत घबराइए यदि आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। तो जैसे मैंने बताया शुरू में कि 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है एक दिन में, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की गिरावट है, इसमें शेयर प्राइस कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता, धीरे धीरे करके ऊपर जाता है। इसलिए आपको इससे घबराना नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट इसमें होल्ड कीजिए। बैलेंस शीट भी देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट काफी मजबूत दिखेगा। यहाँ पे कंपनी के पास जितना रिजर्व है, देखिए रिजर्व जो पैसा है 6 करोड़ के आसपास से, और जो कर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ 88 लाख के आसपास कर्जा है, यानी कि बहुत ज्यादा रिजर्व पैसा है कंपनी के पास। इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं, कोई सा बुरा वक्त आता है तो कंपनी अपने आप को संभाल लेगी। और क्वार्टर्स के जो नंबर आ रहे हैं यह भी काफी अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पर आप क्वार्टर्स के नंबर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कंपनी के सेल्स हुए हैं मार्च क्वार्टर में, क्वार्टर फोर में देखिए पिछले क्वार्टर मुकाबले ज्यादा हुए हैं। अभी तक जितने भी रिजल्ट आए उसमें सबसे ज्यादा कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर आए हैं। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वह भी आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो खैर बरोबर ही रहा है, लेकिन फिर भी कम होते हुए नहीं दिखा, ये अच्छी बात है। इसलिए आपको जो लुहारका मीडिया शेयर से इसमें, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, तो आपको इसमें होल्ड करने की सलाह दी जाएगी। बाकी इससे रिलेटेड मन में कोई सवाल तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सही मौका देखकर आप इसमें कर सकते हैं। मन में कोई सवाल कमेंट में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, शुक्रिया।